जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो है SSGD 2020 में जो मेडिकल के पास हुए हैं उनके लिए या फिर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो पूरी देखना। आपको मेडिकल को लेके आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं जो बात करूँगा वो मेडिकल 2020 में जो लड़के पास हुए हैं, ये बंदे हों जिनका मेडिकल होना है। दोस्तों अभी देखो, मेडिकल में दो होता है, एक तो बॉडी को लेके होता है और एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर होता है। आज जो मैं बात करूँगा वो करूँगा डॉक्यूमेंट को लेके, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मेडिकल में, क्योंकि इससे कई लड़के बाहर निकल जाते हैं। और ये चीज़ ऐसी है जिसको हम सही भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन हम क्या है टाइम पे ध्यान देते नहीं हैं और आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको वीडियो पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों तो डॉक्यूमेंट्स में पहला जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आता है मूल निवास। दोस्तों मूल निवास से पक्का ध्यान देना है, ये मूल निवास बहुत ज़रूरी है जब आपका मेडिकल होगा। दूसरा उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, जो भाई जनरल का है उसको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो लेके नहीं जाएगा तो उसको मेडिकल तो हो जाएगा, मेडिकल तो कर देंगे वो, लेकिन आपको कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे, जनरल में, तो नुकसान आपको ही होगा। क्योंकि अगर आप अपनी कैटेगरी से कट ऑफ पार कर रहे हो लेकिन जनरल से नहीं कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए जो भी भाई SC ST या OBC से है वो पक्का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। लेवल क्या रहेगा, सेंट्रल लेवल, सेंटर का बनवाना दोस्तों। और जो OBC वाला है वो ये पक्का देख लेना कि आपकी मेडिकल डेट से 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों। और जो भाई EWS वाला है भाई, उसको अपना इनकम सर्टिफिकेट पक्का लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दो डॉक्यूमेंट्स और हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, दोनों को मैं एक साथ बात करूँगा। पहला तो 10th का जो मार्कशीट है, उसके साथ आजकल तो बोर्ड सर्टिफिकेट भी आता है। उसके अलावा जो बात करूँगा वो करूँगा मैं आधार कार्ड की। दोनों की बात मैं एक साथ क्यों करूँगा, क्योंकि दोनों आपस में बहुत लिंकड हैं। ये कैसे लिंकड हैं, क्योंकि इनमें दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, आपके नाम में दिक्कत आ सकती है, फादर नाम हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो दोस्तों आपको इस 10th से और आधार से अपने नाम डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मिलाना है। अगर चेंज्ड है, अगर दोनों में आपस में सेम नहीं है तो उसको पक्का अपडेट कराना है दोस्तों आपको, क्योंकि इन दोनों को ही मिलाया जाएगा। जितना 10th ज़रूरी है उतना ही आधार कार्ड में नाम ज़रूरी है, अपडेट करा लेना दोस्तों। आगे आपको कोई मौका मिलेगा नहीं, और ना ही आपको डिपार्टमेंट कहीं भी इतने मतलब आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा। ये लास्ट स्टेज है, यहाँ से अगर प्रॉब्लम भी तो आपको बाहर कर सकता है वो, इसलिए इनको पक्का अपडेट करा लेना। तो ये आपके 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई बस सिर्फ 1 लाइक दे देना भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अगली वीडियो आपके बॉडी को लेके हम मैं पक्का बनाऊंगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।